हेलो गाइस, मैं मनीष पांडे, यू आर वाचिंग डिप्लोमा ट्रेंड्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स के बीच में डिफरेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, रिलेशन और ई कॉमर्स का प्रभाव ट्रेडिशनल कॉमर्स पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है। काफ़ी सेलर्स परेशान हैं, उनके कस्टमर पोटेंशियल जो पहले थी वो थोड़ी कम हो गई है, लोग ऑनलाइन ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, तो इससे जो है लोकल सेलर्स के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है। ई कॉमर्स ने लोकल सेलर्स को परेशान कर दिया है। ट्रेडिशनल सेलिंग जो हमारी थी वह ई कॉमर्स के धर्रे पे आने के बाद उसमें थोड़ी बहुत डिक्रीजमेंट आ गई है। कस्टमर पोटेंशियल जो है उसमें थोड़ा कम हो गया है, जो कि लोकल सेलर्स के लिए काफ़ी सरदर्द बन चुका है। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली बात जो इस वीडियो में हम करेंगे वो है एडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स का एक ऐसा एडवांटेज है जो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसी डिसएडवांटेज के चलते ई कॉमर्स जो है अभी उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है इंडिया में। ई कॉमर्स में क्या है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन की कमी हो गई है, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉमर्स में दुकानदार के पास हम पहुँचते हैं और उससे फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं, प्रोडक्ट का फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं और उसके बाद अगर हमारा दिल करता है तो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, वरना डिसक्लाइन करके कोई और नया प्रोडक्ट देखते हैं। तो ये जो फीचर है वो ई कॉमर्स में अभी नहीं आई है और कुछ सालों तक नहीं आ सकती है। टेक्नोलॉजी के साथ अगर वीडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू कर दी जाए ई कॉमर्स में भी तो ये चीज़ उसमें भी आ सकती है, लेकिन ऐसा होने वाला अभी नहीं है। तो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो ट्रेडिशनल कॉमर्स को कभी हटा नहीं सकती, ट्रेडिशनल कॉमर्स आपका चलता रहेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है ई कॉमर्स का, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ट्रेडिशनल कॉमर्स का डिसएडवांटेज बन चुका है, लाइक कॉस्ट इफेक्टिव। ई कॉमर्स जो है बिजनेस टू कस्टमर सीधे लोगों को कनेक्ट कर दिया है, जिसमें जो बीच का खर्चा है, ट्रेवलिंग का खर्चा, शोरूम का खर्चा, इन सब चीज़ों से जो है ई कॉमर्स के प्रोडक्ट बचे रहते हैं और आपको टैक्स जो है अधिक पे नहीं करना पड़ता है। ई कॉमर्स में आपको प्रोडक्ट सस्ती मिल जाती हैं, वहीं लोकल के जो सेलर्स हैं उनके लिए यह चीज़ सरदर्द बन चुकी है, क्योंकि उनको उनकी मजबूरी बन चुकी है उन एक्स्ट्रा सर्विस टैक्स को लेना, तो इसके लिए उनके प्रोडक्ट बहुत छोटी मात्रा में लेकिन थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं, तो लोकल सेलर्स के लिए ये भी एक दिक्कत की बात है। अब हम बात करेंगे कि जब ई कॉमर्स को धरे पर लाया गया था 1995 में, ई कॉमर्स का सिस्टम शुरू किया गया था, तो उस समय प्रॉस्पेक्टस क्या था ई कॉमर्स को शुरू करने का, क्या उस समय ये प्रॉस्पेक्टस बिल्कुल नहीं रहा होगा कि हम इसको लाने के बाद ट्रेडिशनल कॉमर्स को बिल्कुल खत्म कर देंगे, ट्रेडिशनल कॉमर्स एकदम खत्म हो जाएगा, लोग डिजिटली ही प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे। जब amazon.com कंपनी जो है 1997 में स्टेबलाइज की गई थी तो ये भी एक ट्रेडिशनल कॉमर्स के रूप में ही कंपनी काम करती थी। फिर धीरे धीरे जो है एडवांसमेंट आने लगी और लोग ऑनलाइन शॉपिंग का सहारा लेने लगे। सबसे पहले कॉलिंग कॉमर्स आया था एक बार, कि हम प्रोडक्ट को कॉल करते थे, अपना एड्रेस बताते थे और प्रोडक्ट हमारे पास डिलीवर होता था, तो उसमें केवल वॉइस कम्युनिकेशन हो पाती थी, वो भी उतना नहीं चला। फिर जब वेबसाइट के द्वारा होने लगा तो इसमें जो है लोग एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज पा जाते हैं, जिसके जरिए जो है हम खुश हो जाते हैं और प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हैं और प्रोडक्ट हमको डिलीवर हो जाता है। और ट्रेडिशनल कॉमर्स में फिजिकल इंस्पेक्शन है, तो मैं पहले बता ही चुका हूँ। तो इस बीच का जो ई कॉमर्स के लाने के बाद ऐसा किसी का प्रॉस्पेक्टस नहीं था कि ट्रेडिशनल कॉमर्स को एकदम खत्म कर दिया जाएगा। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ई कॉमर्स का बिल्कुल ऐसा प्रॉस्पेक्टस नहीं था कि ट्रेडिशनल कॉमर्स को खत्म करना है, बल्कि प्रॉस्पेक्टस ये था कि ट्रेडिशनल कॉमर्स में जो सेलर्स हैं उनको ई कॉमर्स से जोड़ देना है और प्रोडक्ट को जल्द से जल्द डिलीवर कर देना है। लाइक एक एग्जांपल समझिए, अगर हम अपने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात, पूर्वांचल में अगर हम किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो अभी इस चीज़ की कमी है कि प्रोडक्ट को डिलीवर होने में कुछ वक्त लग जाता है, कुछ क्या वन वीक या उससे ज़्यादा लग जाता है। तो ये चीज़ जो है ई कॉमर्स को अभी पूर्वांचल में उतना विकसित नहीं होने दे रही है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ऑर्डर करते हैं तो वह गुड़गांव से, मध्य प्रदेश में इंदौर से, मुंबई से, ठाणे से, पुणे से, मतलब वहाँ के जो सेलर्स हैं ई कॉमर्स से जुड़ चुके हैं और वहाँ से चीज़ आपको डिलीवर की जा रही है। तो ऐसे में क्या है कि आपको प्रोडक्ट का वेट करना पड़ जा रहा है। अभी पूर्वांचल में उतने लोग ई कॉमर्स से नहीं जुड़े हैं और हमारे वीडियो का मोटिव बिल्कुल नहीं है कि आपको ई कॉमर्स से जुड़ा जाए। मैं बता रहा हूँ कि ई कॉमर्स अगर ट्रेडिशनल कॉमर्स से जुड़ जाए तो भी उनका बेनिफिट है। अब सिस्टम क्या है ई कॉमर्स का, इसमें यह था कि अगर कोई व्यक्ति अपने ऑफिस जाता है और रेगुलर दिनचर्या में बिजी रहता है तो उसमें वह प्रोडक्ट को बाई कर सकता है और विद इन वन डे प्रोडक्ट उसको डिलीवर हो जाएगी, अगर ई कॉमर्स से उसके शहर के लोग जुड़े हुए हों।
लाइक अगर हम गोरखपुर के हैं, अगर गोरखपुर में हमको कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना है और वह इंदौर से चल के आए तो 1 वीक या 2 वीक का टाइम लगेगा। वही प्रोडक्ट अगर गोरखपुर से मेरे घर पहुंचाना है तो काफ़ी कम समय में मुझको डिलीवर हो जाएगा। ये था पूरा का पूरा सिस्टम ई कॉमर्स का। यहाँ के जो लोकल सेलर्स हैं वो ई कॉमर्स से जुड़ करके ऐसा पहुँचा सकते हैं, आप खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, आप डिजिटली लोगों तक पहुँच सकते हैं, फेसबुक पर मार्केट प्लेस आ चुका है। मैं किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं आपके लिए, आप खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, खुद का ऐप डेवलप कर सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। अभी ट्रेडिशनल कॉमर्स बिल्कुल भी खत्म होने वाला नहीं है तो आप इसे बिल्कुल ना घबराइए। और रही बात ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स आपके लिए बेनिफिशियल है और इसका कोई भी प्रभाव आपके बिजनेस पर उतना ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। ई कॉमर्स की एक अलग दुनिया है उन लोगों के लिए जो काफ़ी बिजी हैं और उन लोगों के लिए जो अपने मनचाहे प्रोडक्ट को अपने लोकेलिटी में नहीं पा पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ई कॉमर्स में जो है इतना ज़्यादा बेनिफिट क्यों है, प्रॉफिट उसमें ज़्यादा मिलती है, इसके पीछे हम बात कर लेते हैं। तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप बिल्कुल मत सोचिए कि ई कॉमर्स कंपनी को अगर ज़्यादा फायदा हो रहा है तो आपके लोकेलिटी में ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ई कॉमर्स का जो सिस्टम है वो ये है कि डिजिटली लोगों को ग्लोबली कनेक्ट कर देती है। लाइक अगर हम यहाँ पे बैठे अमेरिका की किसी कंपनी के किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट को अमेरिका के किसी कस्टमर को डिलीवर कर देंगे, यहीं बैठे बैठे हम रीसेलिंग इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को रीसेलिंग बोलते हैं, रीसेलिंग के माध्यम से वहाँ पे डिलीवर कर देंगे, तो ई कॉमर्स में आप बहुत ही जल्दी ग्रो करके ग्लोबली रीच कर लेते हैं। लाइक अगर हमारी लखनऊ में कोई शॉप है, हम मोबाइल गैजेट्स वगैरह बेचते हैं, तो कानपुर से कोई ग्राहक हमारे पास नहीं आने वाला है। अधिकतम हमें बाराबंकी से ग्राहक हमको मिल जाएंगे, लखनऊ में कानपुर से कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स का सिस्टम शुरू कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांस है, जब यूजर देखेगा कि प्रोडक्ट हमको बहुत जल्दी डिलीवर होने वाली है, तो आप अगर आप कनेक्टेड हैं या फिर खुद की वेबसाइट है, आप वहाँ से डिलीवर करना चाहते हैं, तो जब यूजर देखेगा कि प्रोडक्ट हमको 2 ही दिन में डिलीवर होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि कानपुर का कस्टमर जो है आपके लखनऊ वाली दुकान से जुड़ जाए ई कॉमर्स के सिस्टम में। तो यह सबसे बड़ी बेनिफिट है लोकल सेलर्स के लिए, अगर वह ई कॉमर्स से जुड़ते हैं तो आप थोड़ा और रीच करेंगे। काफ़ी सारे लोग हैं केवल एक सिटी में हैं तो उनके लिए तो ठीक है, बाकी अगर आप ई कॉमर्स से सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, आप बहुत लोगों तक रीच कर सकते हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ कि ई कॉमर्स का सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, आप वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग या फिर ई कॉमर्स से आपको कोई भी समस्या हो तो एक और ग्रुप का लिंक डिजिटल मार्केटिंग के नाम से, उसमें भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। लोकल सेलर्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप हमसे जरूर ऐड होइए, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। ई कॉमर्स से बिल्कुल मत घबराइए, ई कॉमर्स से कनेक्ट होने में भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें बल मिलता है ताकि ऐसे कंटेंट हम आपके लिए और ला सकें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी हेल्दी, बी सेफ, स्टे एट होम इन लॉकडाउन। थैंक यू फॉर